हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो Y20A फ़ोन की, जो रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। और ये एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है जो वीवो ने लॉन्च किया है, और इसकी सेल जो है वो इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो चुकी है। और जो ये फ़ोन स्मार्टफोन जो मार्केट में लॉन्च हुआ है, ये आपको इसमें जो आपको फीचर मिल रहे हैं, जो सबसे पहले जो इसमें हाईलाइटेड फीचर है वो है बटर ड्रॉप डिस्प्ले, नोच, एंड ये ट्रिपल रियर कैमरा है। सो गाइस, ये बहुत अच्छा फ़ोन जो है वीवो ने इस प्राइस रेंज में लॉन्च किया है। और जो इसमें और इन्होंने जो फीचर्स दिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जो मैं आपको अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। पहले बात करते हैं इस फ़ोन के स्मार्टफोन के प्राइस की। जो इसका प्राइस रहने वाला है वो है 11,490 रुपीज़ इंडियन मार्केट में जो इसका प्राइस है। और जो ये फ़ोन है, ये एक सिंगल वेरिएंट में आपको मार्केट में मिलने वाला है, जिसमें आपको 3 GB रैम और 64 GB जो है स्टोरेज मिलने वाली है। और जो इसका जो फोन जो अगर इसकी फ़ोन की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है वो है एंड्रॉयड 11 विद फन टच OS 11 ऑन टॉप। इट मीन्स जो फन टच है वो वीवो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसमें एंड्रॉयड भी जो है वो गूगल का जो है एंड्रॉयड 11 भी इसमें सपोर्ट करता है। बात करते हैं इसके वीवो Y20A के स्पेक की। जो इसका डिस्प्ले रहने वाला है वो है 6.51 इंच HD प्लस IPS वाटर ड्रॉप डिस्प्ले नॉच। और बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसका जो प्रोसेसर रहने वाला है वो है ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 SoC। सो इट्स गुड कि इस फोन में भी आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन जो है वो प्रोसेसर मिल रहा है, ऑक्टा कोर। अगर अब बात करते हैं इसके ट्रिपल रियर कैमरा की, जो इसमें आपको कैमरा मिलने वाला है, प्राइमरी सेंसर जो कैमरा है वो 13 MP कैमरा, और जो आपका पोर्ट्रेट सेंसर जो इसमें मिलने वाला है, जो कैमरा आपको मिलने वाला है वो है 2 MP, और जो माइक्रो शूटर जो इसमें कैमरा है वो है 2 MP कैमरा। अगर बात करें इसकी सेल्फी कैमरा की और वीडियो चैट की, जो वो रहने वाला है 8 MP कैमरा। अब आगे बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने पहले भी बताया, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रहने वाला है एंड्रॉयड 11 विद फन टच OS 11 ऑन टॉप। एंड आगे बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी की बात करें तो इस फोन में जो बैटरी मिलने वाली है आपको वो है 5000 mAh बैटरी, और जो सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग, 10 W फास्ट चार्जिंग एंड रिवर्स चार्जिंग। आगे बात करते हैं इसके वेरिएंट की। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो इसका वेरिएंट है वो एक सिंगल वेरिएंट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, जिसमें 3 GB रैम आपको मिलेगी, 64 GB स्टोरेज आपको मिलेगी, और इसमें 3.5 mm जो है mm का जो है आपको जैक मिल रहा है, टाइप सी USB कनेक्टर इसमें आपको मिल रहा है। और जो इसका प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये इसका जो प्राइस रहने वाला है वो है 11,490 रुपीज़। अगर आप वीवो लवर हो, आपको वीवो के फ़ोन अच्छे लगते हैं, तो आप गो फॉर इट, आप इसको बाय कर सकते हो कि ये एक अच्छा बजट फ्रेंडली फ़ोन है। और इसका जो आपको पता है कि वीवो का जो कैमरा है, सेल्फी कैमरा है या जो रियर कैमरा है इसके, वो काफ़ी अच्छे होते हैं पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए। तो वीवो इसी 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 के लिए काफ़ी फेमस है, और जो इसका म्यूजिक के लिए भी वीवो काफ़ी फेमस है। अगर आप चाहते हो तो आप ये फ़ोन बाय कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा और कम रेंज में जाना चाहते हो, अराउंड 11,000 के करीब और 11,000 से नीचे जाना चाहते हो, तो उसमें आपको माइक्रोमैक्स का जो फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ आप वो ले सकते हो। MI के फ़ोन आपको मिल जाएंगे उस रेंज में, 11,000 और 11,000 से नीचे। ओवरऑल अगर आपको वीवो ही अच्छा लगता है तो आप गो फॉर इट, आप इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और गुड गुड फोन है, बजट फ्रेंडली फ़ोन है जो वीवो ने मार्केट में लॉन्च किया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।